खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। इस समय बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। जम्मू में एक आतंकवादी की गिरफ्तारी हुई है। ब्रेकिंग न्यूज इस समय की हम आपको बता दें, अभी यह खुलासा नहीं हो पा रहा है कि यह आतंकवादी किस संगठन से, जैश ए मोहम्मद का यह आतंकवादी बताया जा रहा है। फिलहाल जो हमारे सूत्र में खबर दे रहे हैं, श्रीनगर से जैश ए मोहम्मद का कुख्यात आतंकवादी गिरफ्तार किया गया है। जैश ए मोहम्मद के ऊपर लगातार पकड़ चल रही है। आर्मी की आतंकी का नाम फैयाज अहमद है। श्रीनगर से जैश ए मोहम्मद का कुख्यात आतंकवादी गिरफ्तार। ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर इस समय की हम आपको दे रहे हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। श्रीनगर से जैश ए मोहम्मद का ये कुख्यात आतंकवादी गिरफ्तार हुआ है। ओम प्रकाश तिवारी हमारे सहयोगी हमसे जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, क्या जानकारी, क्या अपडेट आप हमें दे सकते हैं? दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के लिए बड़ी सफलता। बिल्कुल, बहुत बड़ी सफलता है शोभना। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के डीसीपी संजीव कुमार यादव की टीम ने इस शख्स को श्रीनगर इलाके से गिरफ्तार किया है। इस शख्स को इसके पहले साल 2007 में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उसके बाद साल 2015 से ये फरार चल रहा था और इसके ऊपर 2 लाख रुपए का इनाम भी था। 2 लाख रुपए का इसके ऊपर इनाम था और तब से 2015 से लगातार फरार चल रहा था। और पुलिस सूत्रों का कहना है कि अब ये राजधानी दिल्ली और आसपास किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में था, लेकिन पुख्ता सूचना के आधार पर दिल्ली पुलिस के डीसीपी संजीव कुमार यादव की टीम ने इसे श्रीनगर से गिरफ्तार किया है। इसे दिल्ली लाया गया है, जहां इसे पूछताछ के लिए आज अदालत में पेश किया जाएगा और पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया जाएगा। सोमना, ओम प्रकाश आपसे जानना चाहेंगे कि कुछ बरामदगी भी हुई है इसके पास से, कोई असला, कोई बारूद, कुछ इस तरीके की कोई चीज इसके साथ पकड़ी गई है? जी देखिए, अभी मामला इन्वेस्टिगेशन के दौर में है और इसके बयान के आधार पर दिल्ली पुलिस की टीम कुछ जगहों पर छापे मार रही है और छापेमारी के दौरान कुछ बड़ी बरामदगी हो सकती है। इसके अलावा इसके क्या मंसूबे थे उनको लेकर इससे पूछताछ चल रही है। इसे आज कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से इसे पूछताछ के लिए रिमांड पर लाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सुरक्षा बलों को भी बड़ी कामयाबी मिली है। सेना, सीआरपीएफ और पुलिस के साझा ऑपरेशन में आज लश्करे तैयबा के 4 खूंखार आतंकवादियों को मार गिराया गया है। ये मुठभेड़ पुलवामा जिले के लस्सीपुरा इलाके में हुई है। आतंकवादियों के पास से बड़ी मात्रा में हथियार और विस्फोटक भी मिले हैं, जिसमें 2 AK-47 राइफल्स, 1 SLR और 1 पिस्टल शामिल है। बताया ये जा रहा है कि आज सुबह एक गुप्त सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने जब लस्सीपुरा के एक गांव में सर्च ऑपरेशन शुरू किया, तो आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद कई घंटे चले भीषण मुठभेड़ में चारों आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। सुरक्षा बलों का कोई भी जवान इस एनकाउंटर में जख्मी नहीं हुआ है। मारे गए आतंकवादियों की पहचान भी अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि इनके तार लश्करे तैयबा से जुड़े हो सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर में एनकाउंटर में सेना को एक बड़ी कामयाबी, पुलवामा के लस्सीपुरा इलाके में ये मुठभेड़ हुई। एक गुप्त जानकारी आई थी सेना के पास और ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत इन चारों आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। पुलवामा में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ चली। अच्छी बात इस मुठभेड़ की ये रही कि हमारे एक भी जवान को कोई चोट नहीं आई है, किसी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचा है। तो जम्मू कश्मीर का जो अपडेट है, 2019 में अब तक 66 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। 2019 में सुरक्षा बलों के 58 जवान शहीद हुए हैं, ये हमारी क्षति हुई है। और 2018 में 257 आतंकवादी मारे गए थे ऑपरेशन क्लीन के तहत, पर 2018 में हमारे ज्यादा जवान शहीद हुए थे। 2019 से 91 जवानों की शहादत हुई थी। 2014 से अब तक 904 आतंकवादियों को सेना ने मार गिराया है। 2014 से अब तक हमारे 397 जवान शहीद हुए हैं।